उठिए ना राजा साहब, मुझे नींद आ रही है। रानी साहब, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए ना, बाजी तो अभी शुरू हुई है। अकेले में मुझे डर लगता है, लगता है भूत प्रेत आ जाएंगे। क्या हुआ? अगर बादल गरजे ही गरजे और बरसे नहीं तो क्या होगा? होलो काई फूल पत्ता मुरझा जाएगा। मैं मुरझाना नहीं चाहती केसर, इन आंखों में तुझे क्या दिखाई देता है? दिखाओ प्यास। ये कैसे बुझेगी? आप बोलो तो बादल के पास संदेशा ले जाओ। किस बादल के पास? ऐसा बादल है जो बरसे लो पर गरजे लो को ना। उस बादल का कोई नाम धाम का होगा? वो बादल आसमान पे कौन रहे, पृथ्वी पे रहे। तभी तो कहती हूँ तू दासी नहीं भाईली है मेरी। केसर भाई आप? अपनी गरज के लिए आदमी को नीचे उतरना ही पड़ता है। एक बात करनी थी था से। फरमाओ। देखो जी, ताका नाक नक्शा जितना भी तीखा हो पर बुद्धि था कि एडिया में स्त्री जात को तो थे बिल्कुल समझाई को ना। क्यों क्या हुआ? अगर थे वचन दो कि ये राज इस तहखाने की छत से कदे बाहर नहीं जाएगा तो ही मैं अपना मुंह ना खोलूं। राजपूत का वचन है। रानी साहब के बारे में थारो कई विचार है? सच कहूं तो मुझे उनसे थोड़ा डर लगता। डर क्यों? पता नहीं उनकी आंखों में क्या है। था कि सूरत कदेवा की आंखें में झांककर तो देखो। आप तुरंत यहां से चली जाइए वरना मैं इसी समय आपको ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दूंगा। करम पुटिया सो चले, बाद में पछताए लो। ऊंदरा कहीं को सड़ो। अगर भावरा फूल पर नहीं मन रहा है तो फूल का महकना तो बेकार है ना केसर? सो तो है मगर भावरा तो वफादार नहीं होता। मैं समझ गई था कोई सर। जो तो इतनी समझदार है तो फिर उसे क्यों नहीं समझा सकते? कीने राजसा की बिल्ली को तारा ने। अरे वो तो बीगो बिल्ला छे। डूबने की इतनी इच्छा है तो पानी में क्यों डूबते हो? प्रेम के दरिया में डूबो, गोता ही खाता रोला। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो केसर भाई? मैंने राजसा का नमक खाया है। तो अब बाकी मिर्च भी खा देख लो। सीसी करता फिर रोला। आप रानी सा का संदेशा लाई हो, उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी तीन शर्तें पूरी करके। कौन सी तीन शर्त? पहली तो ये कि उन्हें राजा साहब की आंखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा। काई? और दूसरी शर्त? वो तो करमपुटा पहली शर्त हो जाने के बाद बताएगा। अरे गजेंद्र सिंह, क्या बेतुकी चाल चली है तुमने, हटाओ से।
बहन से मिलने अंदर नहीं आ सकते थे कुंवर साहब? संभालिए जीजा साहब, आपकी रानी तो गई। इनकी रानी तो ये बिल्ली तारा है और ये कहीं नहीं जाएगी। रानी शे कुंवर साहब, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया। मैं देखती रहती थी और राजा साहब जब देखो तब इसे सहलाते रहते थे। इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि रात में भी ये हमारे बीच में आके सो जाती थी। मैं कब से मौका ढूंढ रही थी अपनी डांट निकालने का, मगर चाहती थी कि किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन की पीड़ा समझ सके। आप अंदर पधारिए। कब तक होश आ जाएगा? सुबह तक तो आई जाए लो। बहुत ध्यान से देखभाल करना है इसकी, किसी की नजर में ना आए। कब तक बिरला ऐसा तो मनाना पड़ जाए? जब तक बादल नहीं बरसे। ओहो, बादली गरजे क्यों नीरे, बादली बरसे क्यों नीरे, लावणी बाई सा बैठी प्यासी बरसे क्यों नीरे, बादली गरजे क्यों नीरे। मगर उसने दूजी शर्त क्या बताई? वो गधेड़ियों बोलियो कि जा रही सुपना रानी साहब ने सुना दियो, वो समझदार है अपने आप समझ जाएंगी। ये तो हम दोनों के बीच खेल हो रहा है। तू समझी कि नहीं? वो चाहता है कि मैं राजा साहब का दांत तोड़कर उसे भेजू। कहीं राजा साहब दांत बावलों के कहीं केसर बावली तो मैं हो गई हूं। मुंह खोलो। बाप रे, आपका ये दांत तो बिल्कुल सड़ गया है। हा? इसे तुरंत निकलवाओ नहीं तो आसपास के दांत भी सड़ जाएंगे। मैं कल ही छेदीमल जी से कहती हूँ कि वो अपने साले को भेजे। नहीं नहीं नहीं, उसे मत बुलवाना। क्यों? अरे वो साला माधो सिंह का चापलूसी टट्टू है और मैं नहीं चाहता कि खबर माधो सिंह तक पहुंचे। और कौन निकाल सकता है? आपकी दासी। हाँ, मैंने बचपन में कितनी गाय भैंसों के दांत निकाले हैं। अच्छा, लेकिन दर्द बहुत होगा ना? इतना सा भी नहीं, बस आप घटाघट एक पूरी बोतल पी जाओ। यार यो चीपियो, इसे दांत ने धीरे धीरे बिना तकलीफ के पकड़ के खींच लो। और यार ये संडासी, इसे दांत पकड़ो और यूं खींच लो। फिर भी जो बात नहीं बने ना, तो आप सीधा या थोड़ा से दांत से तोड़ दो। हंसो मत, लो कर दो काम तमाम। आज ही कर दो, कर दो। काहे हुए हो? की संकोच में पड़ गई लावणी बाई सा? मन का चोटता है। अरे राजा जी का मन तो नहीं का चोटा ना, जब इस अधेड़ उम्र में थाकी जैसी कच्ची उम्र की छोरी को ब्याह कर लाया। हाँ, डरपो मत, नहीं तो समझो मारी तरह से ना थाकी भी पड़ी रह जाड़ी बढ़ोगे। और तीजी शरत? देखो केसर भाई, मैं राजा साहब की पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा उनकी आंखों के सामने करूंगा। राजा साहब की आंखें क्या आगे? रानी साहब को बता देना, ये मेरी तीसरी शर्त है।
भी की सोच विचार में पड़ गया लावणी बाई सा। ये शरत तो इंद्र देवता भी जमीन पर आ जाए ना तो भी कुरी को ना कर सके। करम फूटिया साला, ऐसी बात सोची भी तो कहीं सोची? राजा जी की आंखा के सामने रासलीला, बावलो हो गयो कहीं? पहली शर्त में तो बिल्ली ने मरवा दी और दूसरी शर्त में राजा जी का दांत उड़वा दिया बिलाबा दी, और अभी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शरत। दो की बात साड़ो, मरत की जाति आईया हुए मारे वाले ने देखो ना, ये नाम खुदार चलो गयो मारा हाथा पे प्रहलाद सिंह राठौर रणछोड़ साड़ो, मरी तो नहीं आईया की आईया पड़ी रहेगी। कोई कहानी सुना? हाँ कही, मेरी नानी सा कहती थी कि जब मन दुविधा में हो कहानी सुननी चाहिए, कहानियों में ज्ञान का भंडार छिपा होता है। एक बार काई हुए हो, एक जंगल से एक बराजारी थी, रास्ता में शाम पड़ गई तो एक पेड़ के नीचे बरात वाला ने आपनो डेरो डाल दिया। उन पेड़ के ऊपर एक भूत रहतो, भूत के पास एक ऐसी ताकत थी कि जैसा भी फल वो खाना चाहता था ना वही फल उस पेड़ के ऊपर लटका देता था। क्या रानी शाह ये शर्त भी मान गई? मगर राजा साहब के सामने ये कैसे संभव है? हाँ, मेरा रंगीले खाने को मन कर रहा है। अच्छा हाँ, हुकुम आप हुकुम दें तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आप पेड़ पर चढ़ सकते हो? अरे इस पेड़ पर तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। आप तो चढ़ लिए पृथ्वी सिंह। बोलूं हुकुम, मुझे तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? जो काम चार दीवारी के अंदर होना चाहिए वो आप दोनों यहाँ खुले में। पहली आवाज बजाओ, बोलो। आप दोनों एक दूसरे के साथ? नीचे उतरो। रंगीला? रंगीला गया रंग लेने, नीचे उतरो। इसने क्या देखा? हाँ। हुकुम आप दोनों संभोग कर रहे थे। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। हम दोनों अपनी अपनी जगह से हिले भी नहीं और ये अपनी गंदी कल्पना में पता नहीं मुझे कैसे कैसे देखते रहे। आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं ना? हाँ? आप चढ़ के देखिए कि इसे वो कैसे दिखाई दिया जो कभी हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं, मैं क्या अंधा अंधा हूँ? आप दोनों बाहर में गया कभी दे, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरी पीठ पर भी नहीं मेरे सामने सीने में खंजर घोंपा। राजा साहब आपकी आंखें आपको धोखा? निर्दोष एक वैश्य भी इतनी बेहया नहीं होती। तेरी 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 आंखों का पानी उतर गया है। नीचे उतरिए, आप तुरंत नीचे उतरिए। मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतरता हूँ।
कभी नहीं सोचता मैं। ऐसा झूठा आरोप लगाने से पहले जिसे करना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी पाप है। आप बेझिझक मेरे सीने में ये खंजर उतार दें। सुहाग की रात से लेकर आज तक आपने मुझे कुछ दिया नहीं, और आज दिए भी तो वैश्य और निर्लज जैसे बोलो कि अनमोल गहने जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो। बात काटने की क्षमा हुकुम, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो होना हो इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का वास है या फिर किसी तांत्रिक की आत्मा का। ये संभव है, हमारे एक पूर्वज ने एक तांत्रिक को यहाँ आसरा दिया था और उसने यहीं समाधि ली थी। ये संभव है। ये कैसे सुनता होगा? ये भी तांत्रिक की आत्मा का खेल है। रे मारी रूप सी गिण गोर ईसर डो करो सा।